मॉर्निंग यू गाइस, आरपी लाइफ में आप सबका स्वागत है। मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत सुप्रभात। होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज है 22 मार्च, तो मेरी तरफ से आप सभी को, मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को बिहार दिवस की बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना आधा काम निपटा लिया है। मैं घर का साफ़ सफाई करके नहा के पूजा कर चुकी हूँ, और अभी मैं 1 घंटे वॉक करूँगी। उसके बाद फिर आगे क्या होता है मैं आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ। उठने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आपको सूरज की इतनी खूबसूरत व्यू देखने को मिल जाती है। और अभी अभी तक आपने देखा नहीं है तो आप यहाँ देखिए, वीडियो में कितना प्रीटी लग रहा है ना। सुबह में इतना शीतल सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हो गए हैं मेरे 1 घंटे वॉक के। और ये देखिए, मैंने पंछियों के लिए पानी और खाना रख दिया है। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और जिस दिन मैं नहीं रखती हूँ उस दिन वो आके ढूंढते हैं, जिस दिन मैं भूल जाती हूँ या फिर लेट रखती हूँ। और आज भी मेरा लेट हो गया रखने में, मैं भूल गई थी क्योंकि मैं सुबह 6 बजे ही रख देती हूँ, क्योंकि धूप हो जाने के बाद फिर वो नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं पहले ही रख देती हूँ कि वो पहले ही अपना खाना लेके चली जाए। तो मैंने खाना रख दिया है, अब चलती हूँ चाय बनाने, और वो भी अपना खाना खा के पेट भर ले। तो चलिए चलते हैं। चाय रेडी हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और मुझे चाय के साथ न्यूज़पेपर मॉर्निंग में चाहिए ही चाहिए। तो ये रहा मेरा न्यूज़पेपर, अब मैं चाय पीऊँगी और पेपर पढ़ूँगी। और ये देखिए मेरा बेटा, ये भी मेरे साथ ही फ्रेश हो चुका है, और वो भी अपना अभी दूध और बिस्किट खाने लेके बैठा है। वो भी अभी खाएगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करेगा। हम दोनों का रोज़ का यही रूटीन है, हम दोनों साथ में उठते हैं, रेडी होते हैं और अपना चाय और दूध इंजॉय करते हैं। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और अभी हो गया है नाश्ते का टाइम। तो मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने, और आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी पोहा। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं पोहा कैसे बना रही हूँ, चलिए फिर देखते हैं। ये मैंने पोहे को पहले से धो के भिगा के रखा हुआ है, थोड़ा सा पोहा है, इसको मैं पहले से ही भिगा के रख चुकी हूँ। अब आते हैं। पोहा इज रेडी, यम्मी ना। और मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी बज रहे हैं 9:15, और मैं फटाफट रेडी होती हूँ और ऑफिस के लिए निकलती हूँ, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर शाम को। हम लोगों का प्लान बन गया, गांधी मैदान में बिहार दिवस के लिए कुछ आयोजन हुआ था उसमें जाने का। तो मैं शाम को लगभग 6:45 के आसपास यहाँ पहुँच गई, और ये देखिए बाहर का गेट कितना अच्छा बनाया है। ये देखिए, ये अंदर का गेट है, वो बाहर का गेट था जो अभी हम लोगों ने देखा। और ये थीम बनी थी जल जीवन हरियाली के ऊपर, और बाहर में वैसे उतनी भीड़ नहीं थी जैसा कि आपको मैं दिखा सकती हूँ। आप देखिए यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, तो मैंने सोचा कि शायद आज पहला दिन है तो उतना भीड़ नहीं होगा, बट अंदर जाने के बाद नज़ारा कुछ और ही था। बाद में पता चला कि यहाँ पे CM आए हुए हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है इसका, और CM आए और भीड़ ना हो तो क्या बात ही है। तो फिर चलिए अंदर आपका मैं नज़ारा दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या देखा। बिहार के कुछ प्रमुख नदियों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं।
हम लोगों ने एंटर किया पुस्तक मेला में, ये पहला ही गेट था एंटर करने के साथ, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए देखते हैं पुस्तक मेला में क्या क्या है। कितनी सुंदर पेंटिंग है, मतलब ये वॉल बनाया गया था शिक्षा के ऊपर, स्टडी के लिए अंदर बताया गया है सब, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। और ये गेट इतना प्रीटी लग रहा था मुझे कि मैंने सोचा कि चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वाकई बहुत ही प्रीटी है। और चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है। पहला सेक्शन आता है रंगोली का, और वाकई यहाँ पे जितने भी गेट बनाए थे इन लोगों ने, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। जल जीवन हरियाली के ऊपर जैसे कि बेस्ट था, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख भी रहा है, आप पेंटिंग में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पहला सेक्शन रंगोली का है, तो चलिए देखते हैं। आता है अब फिजिक्स का सेक्शन, और देखिए अगेन ये गेट कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे भी और भीड़ भी था, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वैसे मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी, बस जो कैप्चर किया है वही दिखाऊँगी। तो चलिए देखिए, और ये आ गए हम लोग चित्रकला वाले सेक्शन में। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, we
यहाँ पे हमारे सीएम जो कॉमर्स आर्ट्स और साइंस में लड़के फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन्हें प्राइज देते हुए। और ये देखिए यहाँ पे हैंडमेड खिलौने बिक रहे थे जो बच्चों ने खुद से बनाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इतने छोटे छोटे बच्चे ने इतने अच्छे अच्छे किलकारी दिखाई थी, बहुत ही अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं और कुछ पसंद आता है तो लेंगे। मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने ये बेटे के लिए लिया। और उसके बाद सेजल कुमारी साइंस स्ट्रीम 470 94%, तीसरा राइट, जोरदार ताली। और ये देखिए कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, और सामने हमारे मुख्यमंत्री जी भाषण देते हुए, और उसी को सुनने के लिए इतने ज़्यादा लोग एक दूसरे पे गिरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा दूर थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा जूम किया, क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यहीं पे बैठे हुए हैं हमारे सीएम जो भाषण दे रहे हैं, और बाकी इन लोगों की सर देख के तो पता चल ही गया होगा। और ये देखिए जल जीवन हरियाली के ऊपर जैसा नाम है वैसा ही थीम है, और वैसा सच में बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। और मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे जगह जगह इतने बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं, मतलब जहाँ पे आदमी जा नहीं सकता, देख नहीं सकता सीएम को, तो आराम से रिलैक्स होकर नीचे बैठ बैठ के देख रहे थे उनके भाषण को। और ये देखिए गोभी टोमेटोस, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया हुआ है। आप लोग अगर बिहार में रहते हैं, पटना में रहे होंगे, तो वहाँ पे गए होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्यों बार बार तारीफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 3 सालों से कोरोना की वजह से कुछ भी गांधी मैदान में फंक्शन नहीं हो पा रहा था, और जब हुआ तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ। ये 3 दिन का था, 22, 23, 24 को बंद हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, बहुत ही ज़्यादा कुछ था देखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मुझसे जितना कैप्चर हो पाया मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। होप आपको अच्छा लग रहा है, तो एंजॉय कीजिए।
सेक्शन में दिखाया गया है कि देखिए अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, जिधर हरा भरा होना चाहिए उधर हरा भरा हो ही नहीं रहा है। मतलब एक तरफ प्रोग्रेस हो रहा है और एक तरफ देखिए कचरा निकल रहा है, फैक्ट्रियों का गंदगी निकल रही है, मतलब क्या से क्या हो रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दिखाया जा रहा है कि मतलब गौरैया का शहरी निवास कैसा है, गांव में वो लोग कैसे रहते हैं, उन लोगों को कितनी मजबूरी से अपार्टमेंट में अपने लिए घोंसला बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सब कोई तो पेड़ पौधे काट दे रहे हैं अपार्टमेंट बनाने के चक्कर में, और उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि अभी हम लोग कोरोना में ऑक्सीजन से इतने जूझ रहे थे, फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं समझ आएगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके हरियाली बनाए रखें, नहीं तो अपने लिए हम लोग मुसीबत मोल रहे हैं और किसी और के लिए नहीं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितना तकलीफ़ हो रहा है पेड़ पौधों के ना रहने से हमारे चिड़ियों को। तो पेड़ पौधे लगाइए। देखिए और ये देखिए गौरैया कितना प्रीटी लग रहा है। मुझे सबसे अच्छा ये वाला सेक्शन लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। इस सेक्शन में कपड़े लगे थे खादी के, जो कि अलग अलग रेट अलग अलग वैरायटी के थे, तो यहाँ से आप कपड़े के भी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं। आप भी देख लीजिए। ये देखिए लाइट शो, जिसका मैं वेट कर रही थी, स्पेशली मैं यही देखने के लिए आई थी। आप भी देखिए।
इस आवाज से आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि ये कितना प्राउड मोमेंट था हर उस बिहारी के लिए जो ये देख रहा था, और मेरे लिए भी ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट था। वी लव बिहार। और यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो चलिए कुछ खाते हैं। और यहाँ व्यंजन मेला भी था, और यहाँ से मैंने खाने में फ्राइड राइस और पनीर चिली खाया। उसके बाद फिर बाहर जाकर मैंने आइसक्रीम खाया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी तो आइसक्रीम खाना तो बनता है, तो मैंने उसे भी ट्राई किया। पुस्तक मेला से ये दो बुक लिए खुद के लिए पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो गाइस, मैं अभी घर आई हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 10:15। मैं पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से निकली थी डायरेक्ट गांधी मैदान जाने के लिए, बट ऑफिस का कुछ काम आ गया, मुझे कॉल आ गया और मुझे फिर 1 घंटे के लिए वापस ऑफिस जाना पड़ा। उसके बाद मैं गांधी मैदान गई और उसके बाद वहाँ पर जितना भी कैप्चर करना था मैंने कैप्चर किया, वो आप ब्लॉग में देख ही चुके होंगे, और इसलिए इतना लेट हो चुका है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, और अगर कोई और चीज़ आपको लगता है कि मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए या फिर ब्लॉग में कुछ और चीज़ ऐड करूँ जिससे आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है और मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो डाल रही हूँ। तो अगर आप लोग मुझे सुझाव दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।